हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे हमसे नोट्स लेना चाहते हैं वो हमसे डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमें व्हाट्सएप पे अपनी रिक्वेस्ट भेजनी है कि आपने नोट्स लेना है। तो जो भी बच्चे इग्नू फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में है, मतलब IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के नोट्स हमारे पास रेडी हैं। अगर आपको उनके नोट्स चाहिए हमारे पास से परचेज अगर आपको करने हैं, तो 1500 रुपीज़ सिर्फ आपको पेमेंट करना है, जो कि तकरीबन हर कोर्स का मैंने 300 रुपये करके प्राइस रखा था, विच वॉज इक्वल टू 1800, बट मैंने उसको फर्दर रिड्यूस करके 1500 रुपये कर दिया है। तो जो बच्चे स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट्स इनको परचेज करते हैं उनको जो है सिर्फ 1500 रुपीज में जो है उनको नोट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन नोट्स को पढ़ना है, हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और डेफिनेटली आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कीवर्ड्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिट वाइज मैं कीवर्ड्स डालने वाला हूँ, जिससे आपका जो है एक प्रॉपर कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा उस कोर्स से रिलेटेड, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाओगे, आपको आसानी होगी। राइट, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे। इसके बाद हम फंक्शंस ऑफ मैनेजर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं, इन सारे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि किसे हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन विच हैज मोर रिजिड स्ट्रक्चर एंड वेयर प्रोसेसेस आर मोर और लेस डिफाइंड टू मैक्सिमम एक्सटेंट। सो फॉर्मल, फॉर्मल से पता चल रहा है ऑफिशियल, फॉर्मल आप बोल सकते हो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजिड है, बहुत ही कड़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जो भी प्रोसेसेस आप करते हो वो बहुत हद तक एक तरीके से डिफाइन किया हुआ रहता है कि आप इस हद तक जा सकते हो, आपका प्रोसेस में ये काम जो होगा ऐसे काम होगा, मतलब वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहां पे आप चीजें जो है आपको रिजिड मिलेंगी, स्ट्रक्चर रिजिड मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलेंगे फॉर्मल, है ना। आपने फॉर्मल ड्रेस के बारे में सुना होगा, जब हम ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेस कोड हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। इनफॉर्मल में हम कुछ भी पहन के चले गए, जीन्स पहन लिया, कभी शॉर्ट्स पहन लिया, कभी जॉगर्स पहन लिया, कुछ भी पहन सकते हैं इनफॉर्मल में, बट फॉर्मल में यू विल हैव टू कैरी अ ड्रेस कोड, यू विल हैव टू कैरी अ लुक, राइट। तो ये यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है। अगला पॉइंट है फंक्शंस ऑफ मैनेजर। एक मैनेजर के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजर की जब भी बात की जाएगी तो मैनेजमेंट का जो फंक्शंस होता है वही सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग और कोऑर्डिनेटिंग, है ना, ये चार पांच फंक्शंस हैं। इन सबको तो परफॉर्म करना ही है मैनेजर को, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि वो परफॉर्म करता है। हालांकि इसको क्या कहेंगे, फंक्शंस ऑफ मैनेजर किसे कहेंगे, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। सो असाइन टास्क अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी लेवल एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैनेजर, है ना। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजर में वो सारे काम आ जाएंगे जो कि उसके अथॉरिटी के लेवल के हिसाब से उसको असाइन करे जाते हैं। सपोज मैं मैनेजर हूँ, मेरे पास जितनी अथॉरिटी होगी मेरे को उतने ही काम, उसी लेवल के काम जो है मुझे असाइन किए जाएंगे, और मेरा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, मेरा जो पोजीशन है मैनेजर का, उसके अकॉर्डिंग मेरे फंक्शंस होंगे, जो रोल होंगे मुझे उन्हें प्ले करना होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसके बारे में आप जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, एंड हेयर प्रोसेस आर मोर स्पॉन्टेनियस देन रिजिड, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, आसान होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे रिजिड नहीं होता, तो हम उसे कहेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो तीन लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली स्पीकिंग देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वही चीजों को बताया गया है, टॉप लेवल एंड जूनियर। जूनियर की जगह पे आप लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैनेजमेंट किसे कहेंगे भाई? सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स एंड यूजिंग ऑल अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू रीच stated, you know, organization goals. तो जो भी आपका organization goal है, उसको पूरा करने के लिए, उसको achieve करने के लिए, उसको get करने के लिए, आपको अपने जो organization है, उसके resources का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही साथ आपको planning, organizing, leading और controlling करना होगा, ताकि आप उन goals को ठीक time पे सही तरीके से आप उन सबको achieve कर सको।
ये सारी की सारी चीजें जो है मैनेजमेंट में आ जाएंगी। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है एक प्रोसेस जहाँ पे आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, लीडिंग करते हो, कंट्रोलिंग करते हो कि किस तरीके से आप अपने मेंबर्स को, किस तरीके से आप अपने सबॉर्डिनेट्स इंप्लॉइज को आप मैनेज करोगे, किस तरीके से आप रिसोर्सेज का ठीक तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाओगे और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करोगे। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, राइट। ऑर्गेनाइजेशन किसे कहेंगे भाई? सो अ प्लेस वेयर टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर्ड वे टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल्स और सेट ऑफ गोल्स, है ना। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग साथ में मिल करके जो स्पेसिफिक गोल्स सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको अचीव करने की कोशिश करता है, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मैं और मेरा फ्रेंड मिलकर के किसी एक स्टेटेड गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, सो वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो, बिकॉज वी आर डूइंग द सेम थिंग, राइट। हमें उन चीजों को अचीव करना है जो हम अचीव करना चाहते हैं बाय वर्किंग टुगेदर, है ना। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये क्या होता है भाई? सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अ फॉर्मल वे टू रिलेट वेरियस पर्संस वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, कंट्रोलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मल तरीका होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है फैसिलिटेट करेगी वेरियस फैक्टर्स को, जैसे कि हो गया वो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी, आपका एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन कैसा होगा, ये सारी की सारी चीजें जो है मोर और लेस आपकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, है ना। आपका कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बात कैसी है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपका इसका मतलब कि स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है उसमें आ जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में आ जाएंगी, जिनको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन जो है वही होता है जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेहतरीन होता है, जहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है फ्लो में होती रहती है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पे बोला गया है बेसिक फिलोसफी एंड गाइडलाइंस अराउंड विच मैनेजरियल फंक्शंस आर वोवन टुगेदर फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि बेसिक जो फिलोसफी है या फिर गाइडलाइंस है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अराउंड जो है पूरा का पूरा मैनेजरियल फंक्शन घूमता है, जिसके जिसको ध्यान में रखते हुए हमको जो है अपना मैनेजमेंट का काम को करना पड़ता है, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सा प्रोसेस। Roles of manager. So what a manager is expected to do as a person of conscientiousness. ठीक है, conscientiousness नहीं है, conscientiousness है, ठीक है ना। So roles of manager में क्या हो जाएगा कि एक manager से जो expect किया जाता है कि वो काम उस काम को करेगा, वही उसके roles बन जाते हैं, right? तो आई होप कि आपको ये प्रॉपर जो पॉइंट्स हैं कीवर्ड्स वाले आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू।